भंगार बाजार दिलदार नगर परिसरात विद्युत डीपीच्या शॉर्ट सर्किटमुळे दोन दुकानांना आग। धुळे शहरातील भंगार बाजार दिलदार नगर परिसरात एका आर्मीचर रिपेअर करणाऱ्या आणि ब्लाउजच्या असा दोन दुकानाला पहाटे 4 ते 4:30 वाजेच्या सुमारास अचानक आग लागल्याची घटना उघडकीस आली आहे। या आगीत आर्मीचर रिपेअर करणारे दुकान पूर्णपणे जळून खाक झाली आहे। दुकानाबाहेर असलेल्या विद्युत डीपीच्या शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे। परिसरातील नगरसेवकाचा मुलगा अबुलास यांना पहाटे 4 ते 4:30 सुमारास दिलदार नगर परिसरात दुकानांना आग लागल्याचा फोन आला होता। त्यांनी तात्काळ अग्निशमक विभागाला माहिती दिली। क्षणार्धात आगीने रुद्ररूप धारण करत दूरपर्यंत आगीचे लोट पसरत होते। दोन अग्निशमक बंबांनी शर्थीचे प्रयत्न करत आग आटोक्यात आणली। या आगीमुळे लाखो रुपयाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे। सुदैवाने ही आग आटोक्यात आल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे, कारण परिसरात मोठ्या प्रमाणात दाट वस्ती असल्याने आग वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात होती। परंतु अग्निशमक विभागाच्या अथंग प्रयत्नाने आग आटोक्यात आली आहे। धुळ्याहून अब्दुल रहमान मलिक यांची रिपोर्ट। मैं सलीम मोहम्मद रज्जब भंगार बाजार से बोल रहा हूँ। आज सुबह 4:30 के दरमियान मुझे कॉल आया कि भाई आपकी दुकान में आग लग गई। जब मैं दुकान पर आके देखता हूँ तो दो फायर ब्रिगेडर पहले से खड़े हुए थे। मेरी दुकान में ताला लगा हुआ था, वो पानी मार के बुझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ताला खोला, उसके बाद में अंगार बुझाने का कार्रवाई चालू हुई, लेकिन मेरे माल का ज़्यादा नुकसान हो गया। इससे पहले भी नगर पालिका को 1 महीना पहले भी आग लगी थी बाजू में डीपी की वजह से। नगर पालिका ने कोई कार्रवाई करी नहीं, ना पुलिस वाले आए, पुलिस अधिकारी आए, कोई अधिकारी कोई काम करा नहीं। इसके लिए आज मेरा 4 से 4.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया। सार सर्किट कैसे लगी? कुछ नहीं, सार सर्किट की कोई लाइन नहीं है। बाजू में लकड़ा पड़ा था नाली के ऊपर, वहाँ पर अंगार लगी, वहाँ से मेरी दुकान के अंदर आग लग गई।